कानून, वो काले कानून जो है वो कैप्टन अरमिंदर ने रातों रात पास किए थे हमारे पानी के अधिकार को रिजेक्ट करने के, आपको याद होगा। यही कैप्टन अरमिंदर मुख्यमंत्री थे उस समय जो इन्होंने उन काले कानूनों को पास किया था। वो 12 साल लगे उससे हमको उभर के आने में। और प्रेसिडेंट कांग्रेस के ज़माने में तो सुनवाई इस प्रकार की हुई, आप सब लोगों के ध्यान में है। जब बीजेपी का शासन आया तो सुनवाई तेज़ी से हुई, प्रेजिडेंशियल रेफरेंस के माध्यम से वो फैसला हमारे पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय दे चुका है। सर्वोच्च न्यायालय उसके इम्प्लीमेंटेशन पर आप बात कर रहा है। पिछले से पिछली तारीख पर सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि दोनों सेक्रेटरी मिलकर बात कर लेंगे और कैसे नहर बनाई जाए इसका समाधान करें। जब चीफ सेक्रेटरी लेवल पर ये बात नहीं संपन्न हो पाई तो उन्होंने अगला स्टेप लिया, दोनों मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी देश के जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत जी के पास गए थे, आपको फोटो याद होगी। कैप्टन अरमिंदर वहाँ नहीं आए थे, कैप्टन अरमिंदर जो है वो लाइव जुड़े थे, वो डायरेक्ट आकर बैठे नहीं थे। तो उसमें वो एक मौका था जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मुख्यमंत्री तय कर ले कि SYL कैसे बननी है, लेकिन उसमें कैप्टन अरमिंदर उस रूप में शामिल नहीं हुए और जो उन्होंने उस प्रकार का उत्साह दिखाना चाहिए था वो उत्साह उस मीटिंग में उन्होंने नहीं दिखाया था। अब अगली जो भी तारीख है उस पर एक ही बात है कि SYL बने, क्योंकि SYL बनाने के लिए जितने भी मैं कहूँगा कि आपसी बातचीत के रास्ते सर्वोच्च न्यायालय दे सकता था उतने दे दिए। तो ये मामला अब बिल्कुल एक तरह से हमारे पक्ष में है और हरियाणा अब यही निवेदन कर रहा है इस मौके पर कि भाई हरियाणा में देखो हमारे यहाँ 2 करोड़ एकड़ फीट पानी की ज़रूरत अभी पड़ती है। 2 करोड़ एकड़ फीट का मतलब है 1 किले ज़मीन पर 2-2 फीट पानी खड़ा हो जाए। हम 1 करोड़ एकड़ फीट पानी नहर से लेते हैं, इसमें 60 लाख एकड़ फीट भाखड़ा डैम से आता है और 40 लाख एकड़ फीट पानी जो है यमुना से आता है, और 1 करोड़ एकड़ फीट पानी हम ज़मीन से निकालते हैं ट्यूबवेलों के माध्यम से। हमारी आधी सिंचाई ट्यूबवेल की है और आधी सिंचाई हमारी नहर सिस्टम की है। हमारे ट्यूबवेलों में हर साल हमको पाइपलाइन बढ़ानी पड़ती है, मोटर बदलनी पड़ती है, क्योंकि पानी का लेवल नीचे जा रहा है। हम निकालते हैं 1 करोड़ एकड़ फीट, रिचार्ज होता है 60 लाख एकड़ फीट, 40 लाख एकड़ फीट का हरियाणा में पानी का हर साल घाटा है और हरियाणा डार्क जोन में बदलता जा रहा है। हमारा 19 लाख एकड़ फीट पानी 45 साल से जो है वो एक तरह से रुका हुआ है। कम से कम हरियाणा का 1/5 हिस्सा उससे सिंचित हो सकता है। अभी 90 लाख एकड़ पर हमारी खेती है, तो वो पानी हमारे लिए इतना ज़रूरी है हरियाणा के लिए, वो यक्ष प्रसन्न है। मैं तो ये कहूँगा जो SYL का नहीं वो हरियाणा का नहीं। लेकिन किसानों के काले कानून लाके तो पानी का क्या करेंगे? ये जो झूठ बोल रहे हैं, ये एक आदमी जिस आदमी ने कभी अपनी माँ अपने भाई और भाभियों के लिए कुछ नहीं किया वो अडानी अंबानी के लिए करेगा, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। ये कांग्रेस की प्योर झूठ है। दूसरी बात, अडानी अंबानी की सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लो, उनकी वर्थ देख लो, और उनकी कुल वर्थ मिलाकर भी वह हमारे 2 जिले नहीं खरीद सकते, वो हमारी सारी जमीन खरीद लेंगे। टोटल वर्थ नहीं है इस देश में, 37.5 करोड़ एकड़ जमीन है। ये झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे। केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री इतनी बड़ी झूठ बोल रहा, कह रहा है कि कानून ऐसे बन गए हैं कि जब महंगाई दुगुनी हो जाएगी तो उसके बाद ही मैं कार्रवाई कर सकूंगा। पहले तो कानून में ये लिखा है फल सब्जियों के रेट जो उत्पादन के समय होंगे उससे अगर डबल हो जाएंगे, अगर मान लो 20 रुपये किलो आपका आलू है 40 हो गया, तो उस समय सरकार सारा अधिकार अपने हाथ में लेगी। दालें अगर 40 है और वो 60 हो गई तो अपना सारा अधिकार वापस ले लेंगे। वो दालों पर आलू प्याज का एग्जाम्पल दे रहा है झूठ बोलने के लिए। दालों के बारे में, तिलहन के बारे में 1.5 गुना है, सब्जियों के बारे में 2 गुना है। फिर एक और झूठ बोल रहे हैं महाशय जी कि एक बार 2 गुना हो गया तो फिर डाउन ही नहीं आएगा क्या? जब सरकार कब्जा ले लेगी, सारा खरीदवा देगी, अगली फसल आ जाएगी तो डाउन भी तो आएगा। वो तो कहता नहीं 1 साल में 2 गुना, दूसरे साल में 4 गुना, तीसरे साल में 8 गुना, अगले साल में 16 गुना। अरे झूठ की कोई सीमा होती है केजरीवाल जी? राजनीति के लिए आप एक मुख्यमंत्री हो, इतना बड़ा झूठ मत बोलिए। देश को हर कोई बहकाने पर चले हुए हो आप।
क्या देश के लोग कानून पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है? ये झूठ का जो इतना बड़ा बवंडर चलाया जा रहा है, इसका गुब्बारा जरूर फटेगा। ये झूठ से नहीं चलती है चीजें, सत्य के आधार पर चलनी चाहिए, तथ्य के आधार पर चलनी चाहिए। किसानों की सारी बातें केंद्र सरकार ने स्वीकार कर ली है, पॉइंट टू पॉइंट। और अब ये कानून ऐसा हो गया है कि राज्य सरकार चाहे जब लागू करे अपने यहाँ।